जब से मैंने रफली दाएं शुरू किया है, गांव वाले और सारे घर वाले मुझे कहते हैं आप कादियानी हो गए। कोई इल्मी जवाब दे। इल्मी जवाब यह है कि उन्हें कहे कि मैं आज ही रफली दाएं छोड़ दूंगा, कादियानियों की इबादत गाह में चलते हैं। अगर कादियानी बरेलवी और देवबंदियों के तरीके पे अनफी तरीके पे नमाज पढ़ रहे हुए तो तुहाड़े भरा, तो जे रफली दाएं कर रहे हो तो मेरे भरा, तो देखो कैसी बोलती बंद होगी। और कादियानी तो अनफी है, उनके बड़े मुरब्बी की मैंने वीडियो चला दी है, इस पर भी मेरा क्लिप रिकॉर्ड है, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी और हनफी कादियानी, आप जाके लिखें। तो इनको आप कुरान हदीस बताने की जरूरत नहीं, उनको आओ चलिए कादियानिया की इबादत गाह तकने के तुहाड़े भरा ने या मेरे भरा ने, तो तुहाड़े भरा निकलने ने। मेरे पास एक भाई इटली में, वो तबलीगी जमात के अमीर थे, उनका छोटा भाई जो है वो मेरे पास आता था वीडियोस देख के। वो पहले गुमराह हुआ और फिर वो अपने बड़े भाई को लेके आ गया कि जी आपने मेरे भाई को कादियानी कर दिया। मैंने उनकी बात बड़ी तहम्मुल मिजाजी से सुनी, मैंने कहा जी कोई लड़ने वाली बात नहीं है, हमारे घर के करीब ही ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से भी कम फासले पे कादियानियों की इबादत गाह है, हम वहां जाते हैं। अगर तो कादियानी तबलीगी जमात वाले तरीके पे नमाज पढ़ रहे हुए तो वो आपके भाई होंगे, और अगर वो रफली दाएं से नमाज पढ़ रहे हुए तो हमारे भाई होंगे, अभी फैसला कर लेते। कहते नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। थोड़ी देर पहले कॉन्फिडेंस लेवल आसमान पे, और थोड़ी देर बाद होना तो चाहिए था कि वो कहता कि जी मैं आपसे माफी मांगता हूं, मैंने झूठा इल्जाम लगाया, मैं आपके साथ चलता हूं। तो आप जेहन में रखें कादियानी रफली दाएं नहीं करते, कादियानी बरेलवी और देवबंदियों के तरीके पर नमाज पढ़ते हैं, उस तरीके पर नहीं पढ़ते जो बुखारी मुस्लिम में आए। आखिरत की जिंदगी जन्नत और जहन्नम आखिर कब तक रहेगी? हमेशा रहेगी जी, बेफिक्र रहे आप। मैं खुदा से क्यों मोहब्बत करूं, ये मेरा इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी वीडियो हदाया विक्ट्री चैनल पर आ चुकी है, वाई आई लव गॉड, उसमें मैंने इस टॉपिक को एड्रेस किया कि हम हमेशा से तो नहीं है लेकिन पैदा हमेशा के लिए हुए हैं। अल्लाह ने हमें भी ये क्वालिटी दे दी है कि हमें भी मौत नहीं आएगी। हां ये जो मौतें आनी है ना, ये एक फेज से दूसरी फेज में ट्रांसफर है। अब इंसान को मौत नहीं आनी, दुनिया में जो मौत है वो आखिरत की जिंदगी का दरवाजा है, और आखिरत में जब उठाया जाएगा तो बुखारी मुस्लिम में आता है कि मैदान माशर में मौत को लाकर मेंढे की शक्ल में कत्ल कर दिया जाएगा, और जहन्नमी जो है वो हमेशा की उस गम में मुबतला हो जाएंगे कि हमें अब यहां से छुटकारा नहीं होना, मौत हमारा छुटकारा कर देती लेकिन वो भी नहीं होगी, और जन्नती खुश होंगे कि हमें मौत नहीं आएगी। जहन्नम की सजाएं नकाबले बर्दाश्त है तो इंसानियत कैसे बर्दाश्त, तुसी अपनी फिक्र करो सरकार, बच जाओ, इंसानियत को छोड़ो, अपनी फिक्र करो और इंसानियत को बताएं। मेरी वो आपने वो एक रिमाइंडर भी बनाया था एक भाई ने मौत के ऊपर, वो आप देखें, वो यही तो हम कह रहे हैं कि दुनिया में अगर कोई बात बताने वाली है ना, चौकों में खड़े होकर, चौराहों में, घरों की छतों पर, मीनारों के ऊपर जो बात करने की है वो एक ही है कि मरना है, बस। जब मरना है तो अपनी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजार सकते, सीधी सी बात है। क्या एहराम की हालत में टांगों के दरमियान सरसों का तेल लगा सकते हैं? जी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये कोई खुशबू तो नहीं है ना, उसकी जो खुशबू है वो ये दवाई के तौर पर है, ये वाली खुशबू जो है वो दुरुस्ती है। क्या पेशाब वगैरह की सूरत में एहराम उतार सकते हैं? जी आप पे गुसल फर्ज भी हो जाए तब भी आप एहराम उतारेंगे, नया एहराम, एहराम दो चादरों का नाम है, वो चादरें आप रोजाना भी चेंज कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने जो एहराम बांधा है जब तक आपका हज और उमरा हो नहीं जाता आपने कपड़े नहीं चेंज करने और गंद मंदे ही रहना है, हाँ चाहे वो गंदे भी हो जाए, नहीं, सिर्फ उन दिनों में आपने सिले हुए कपड़े नहीं पहनने। तो आप एहराम दो अपने साथ रखें, एक मैला हो जाए दूसरा पहन ले, उसे धो ले, जब वो मैला हो जाए, अगर वो लंबी एक्टिविटीज के लिए, वैसे तो ये छोटी सी एक्टिविटी है कोई नहीं, जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप करना भी चाहते हैं, अब एक बंदे पे गुसल फर्ज हो गया है, उसका एहराम की चादर गंदी हो गई है, पलीद हो गई है, तो वो उसे चेंज करेगा, नहीं पहन ले। क्या एहराम की हालत में टिश्यू पेपर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं? यानी ये जिन लोगों को कतरों का इशू है, जी कर सकते हैं, अंडरवेयर भी यूज कर सकते हैं जिसके साथ बीमारी वाला इशू है, कोई मसला नहीं।